यार मैं इस दिल्ली की गर्मी से परेशान होके लास्ट वीक शिमला गया था वेकेशन पे, और मैंने वहाँ जाके ढेर सारी फोटोज खींची, दिन में भी और रात में भी। एंड जब मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा था डीपी के लिए, तो यार दिन वाली तो बढ़िया से आ जा रही है, उसमें आराम से क्रॉप भी हो जा रहा है, जूम हो जा रहा है, बट नाइट वाली में उतनी डिटेल्स नहीं है कि मैं उसको अपलोड कर पाऊँ। ऐसा क्यों? तेरे कैमरे का SNR बहुत कम है। क्या ये SNR क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। SNR स्टैंड फॉर सिग्नल टू नॉइस रेशो। जब भी किसी कैमरे के सेंसर पे लाइट गिरती है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, तो इन सिग्नल्स की वैल्यू और इन सिग्नल्स के बीच का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसके रेशो को हम SNR कहते हैं। सिंपली बताऊँ तो कभी भी इमेज जनरेट होती है तो उसमें नॉइस भी होती है और सिग्नल भी होता है। नॉइस जैसे रीड नॉइस, गॉशियन नॉइस या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स का नॉइस, जिसके बारे में आप हमारा लेटेस्ट रील देख सकते हैं। एंड डिपेंड करता है कि ये रेशो में अगर सिग्नल ज़्यादा है नॉइस कम है तो इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है, और अगर नॉइस ज़्यादा है और सिग्नल कम है तो नॉइस ज़्यादा होगा तो क्वालिटी इमेज अच्छी नहीं होगी। कैमराज जो होते हैं वो काफ़ी टफ सिचुएशन में भी काम करते हैं, इसका मतलब या तो बहुत ब्राइट सिचुएशन या लो लाइट कंडीशंस। इसका एक एग्जांपल है एस्ट्रल फोटोग्राफी, जहां हम रात में चांद तारों की फ़ोटो लेने जाते हैं। यहां पर डिवाइस का SNR बहुत हाई होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड, अगर SNR की वैल्यू 10 से कम है तो आपकी इमेजेस की क्वालिटी अनएक्सेप्टेबल रेंज में होती है, और अगर आपका SNR 40 से ऊपर है तो काफ़ी एक्सीलेंट क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। तो क्या मैं अपने डिवाइस का ही SNR बढ़ा सकता हूँ क्या? तुम अपने डिवाइस का SNR तो नहीं बढ़ा सकते, बट तुम्हारे डिवाइस के साथ एक एसोसिएटेड SNR रेंज है जिसके बीच में तुम अपनी सेटिंग्स को चेंज करके रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर तुम एक्सट्रीमिटीज़ में खेलते हो और तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो मार्केट में देर आर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सेगमेंटेड कैमराज आते हैं आपकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको भी कैमरा लेने से पहले हेल्प चाहिए तो आप फैमिली की कंसल्टेशन ले सकते हैं। वैसे तू किस टाइप की फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है? यार मैं तो डे और नाइट दोनों में ही अच्छी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। लगता है मुझे नया कैमरा ही लेना पड़ेगा। ओके, नया डिवाइस ले लेना, बट एक बार पूछ जरूर लेना। अगर आपको भी अपने डिवाइस को खरीदने से पहले हेल्प चाहिए तो आप फेबनिक को फॉलो करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अरे भाई क्या हो गया? यार मैंने तेरी SNR वाली रील देखी थी, इसको आप लोग भी देख सकते हैं फेबनिक के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फॉलो करें @febnik.com। हाँ बताया था। फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन के लिए मार्केट्स में इतने कैमराज हैं, कोई मिररलेस है, कोई पॉइंट एंड शूट है, कोई सिने कैमराज है, और इसके बाद हमारे पास GoPro जैसे एक्शन कैमराज भी हैं। और इन कैमराज में अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि किसी में मैकेनिकल शटर है, किसी में इलेक्ट्रॉनिक शटर, किसी का APS-C सेंसर है तो किसी का फुल फ्रेम सेंसर्स। इतने ऑप्शंस देखने के बाद आई एम टोटली कन्फ्यूज कि किसकी SNR रेंज मेरे लिए परफेक्ट होगी। तू मेरी हेल्प करना। देख, नॉइस से डरना ज़रूरी नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज जैसे ही तू शटर खोलता है उसी पॉइंट से तो नॉइस आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉइस, टेम्परेचर नॉइस, ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं सिस्टम में, और ये सब तो तेरे कंट्रोल में भी नहीं है। तेरे कंट्रोल में ये है कि तू जब गेयर खरीद रहा हो तो सही मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करे। और अगर मान ले तेरे पास कोई कैमरा है भी, तो तेरे को अभी ज़्यादा परेशान होना चाहिए उसकी SNR रेंज को समझना और अपने शूटिंग स्टाइल को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करने पे। एक बार तू उसे समझ जाएगा तो तेरी फोटोग्राफी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और जब भी इन्वेस्ट कर रहा हो तो ये ध्यान रख कि तू सोच समझ के इन्वेस्ट करे, अपने नॉलेज सेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करे, और तुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तेरा नॉलेज सेट उसे क्लियर जस्टिफाई करना चाहिए उसको। एंड आप लोग भी ध्यान रखें कि जब भी कोई डिवाइस खरीदें तो बहुत सोच समझ के खरीदें। अगर आप कन्फ्यूज हैं आपके लिए कौन सा गियर सही है, तो आप फेबनिक से कंसल्टेशन लें।